हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? अच्छे हो? आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। बड़ा भारी सा नाम है, किसी ने बताया होगा। बहुत मुश्किल चैप्टर है, डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं इसके। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरे साथ चलोगे ना? ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि डिफिकल्ट है, बहुत आसानी से क्वेश्चन बनते हैं। और सबसे खास बात है कि मजेदार चैप्टर है, मन लगेगा पढ़ने में ना तो बन जाएगा, फिर कोई मुश्किल नहीं लगेगा। तो सबसे स्टार्टिंग में जो टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में सबसे पहले जो पिक्चर दी हुई है, एक मेले की पिक्चर है। गांव का सा मेला है, बहुत पुराने जमाने का। क्या हो रहा है इस मेले में? बहुत तरह की दुकानें लगी हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। ये एक गोल झूला है ना, बड़ा गोल झूला, क्या बोलते हैं उसको, लंदन साइज, बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पे इसका नाम है द जैंट व्हील। बैठ के झूलने में बहुत मजा आता है। और इस मेले में एक लड़की है, लड़की का नाम है अखिला। देख रहे हो सामने में, इसका नाम है अखिला। इसको ये रिंग फेंक करके किसी सामान को फंसाना है। ये गेम है, इसका नाम है होला हूप। इस गेम का नाम है होला हूप। ये रिंग फेंक करके जो भी सामान इसमें फंसता है, वो सामान लड़की को मिल जाता है। सो कुछ तो पसंद होगा इसको, ये गेम खेलने का बहुत मन कर रहा है। तो ऑफ कोर्स मिला है तो पैसे भी लगेंगे, फ्री में तो कोई नहीं खिलाता है। और उसके पास पैसे तो लिमिटेड है ना, अनलिमिटेड पैसे लेके तो कोई नहीं जाता है मेले में। उसके पास कुल मिलाकर के 20 रुपए हैं। 20 रुपए में सारे पैसे उसको खर्च करने हैं, जो लाए हो तो खर्च करने के लिए लाई है, वापस बचा के घर नहीं ले जाना है। 20 रुपए में इसको दो चीजें करनी है, एक तो यह गेम खेलना है ना, और दूसरा इस जैंट व्हील में इसको झूलना भी है। जाहिर सी बात है, एक से ज्यादा बार हो जाएगा, बहुत पहले की बात है। उस समय सभी का चार्ज बहुत कम होता था, अभी तो 20 रुपए में एक बार भी नहीं झूलने देगा। तो जब जिस समय की यह बात है, उस समय 20 रुपए में काफी कुछ हो सकता था। इसको यही दो काम करना है, बाकी किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कुछ खरीदने की चीज पसंद नहीं आई है अभी तक, और कोई गेम भी पसंद नहीं आया है, कुछ खाने का भी मन नहीं है। इसको एक या गेम खेलना है होला हूप, और दूसरा यह जायंट व्हील में झूलना है, बड़ा मजा आएगा। तो इसी के ऊपर आज का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है? अखिला वेंट टू अ फेयर इन हर विलेज, शी वांटेड टू एंजॉय राइड्स ऑन द जायंट व्हील एंड प्ले होला अ गेम। ये पता है जो मैंने डिस्क्राइब कर दिया कौन सा गेम है, यह है ना। The number of times she played the hula is half the number of times rides she had on the giant wheel. उसने जो होला खेला, होला जितनी बार भी खेला, वो जायंट व्हील में जितना चढ़े थे उससे आधा है ना। जायंट व्हील में जितनी बार भी चढ़ी थी उसका आधा, उसका 1/2 है। ये दोनों करने से बराबर हो जाता है। जेंट व्हील में जितनी बार चली उसका आधा करने से होला जितनी बार खेला वो मिल जाता है, ठीक है। अब यहां से इक्वेशन बननी है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन में? इफ ईच राइड कॉस्ट ₹3, ईच राइड मतलब जेंट व्हील का राइड 3 रुपए का है, ये 3 रुपए का एक राइड हो रहा है। एंड ए गेम ऑफ होला कॉस्ट ₹4, यहाँ पे इसको 4 रुपए लगते हैं, ठीक है। हाउ वुड यू फाइंड द नंबर ऑफ राइड्स सी हैड एंड हाउ मेनी टाइम्स सी प्लेड हुपला प्रोवाइडेड सी स्पेंट ₹20। 20 रुपए उसके पास थे जो मैंने पहले, अच्छा इधर दिखेगा ना, 20 रुपए उसके पास थे जो मैंने पहले ही बताया था। 20 रुपए में वो कैसे कैसे क्या क्या कर सकती है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ऐसा सिचुएशन किसी के साथ भी हो सकता है, मेला घूमने गए हैं और इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है ना। इतने पैसे हैं, मेरे को इतने इतने काम करने हैं, किस तरह से किया जाए? चाट खानी है, चाट खा लिया जाए, या फिर जायंट व्हील में ही जाना है? प्रॉब्लम हो सकती है इस तरह की ना। एग्जाम में भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है, किस क्वेश्चन को पहले सॉल्व किया जाए, किस क्वेश्चन को बाद के लिए रखा जाए। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से। जैसा कि यहां पे देख सकते हो ना,
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से कैसे सॉल्व करेंगे, सब कुछ हम लोग सीखेंगे। इसी के लिए तो पूरा का पूरा चैप्टर है ये, बड़ा मजा आने वाला है। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन कैसे बनेगा, कैसे बनेगा बाद में आते हैं। तो पहले लीनियर इक्वेशन होता क्या है ये पता तो चले तब तो हम लोग बनाएंगे ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और देखते हैं यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है पेयर ऑफ, पेयर की क्या जरूरत है, एक लीनियर इक्वेशन से काम नहीं होगा क्या? पेयर मतलब दो, पेयर मतलब दो ही होता है ना। तो लिखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब वेरिएबल तो दो है ही, लेकिन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब वेरिएबल तो दो है ही, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब कि हमें इक्वेशन भी दो चाहिए। जैसे ये पहला इक्वेशन देखो जो लिखा है, एग्जाम्पल है ये 2x + 3y = 5, ये एक लीनियर इक्वेशन है, यहां तक तो क्लियर है नाइन्थ क्लास से ही है ना, ये एक लीनियर इक्वेशन है 2x + 3y = 5, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब ये पेयर ऑफ का क्या मतलब है, हमने पढ़ा था पिछले क्लास में कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, लेकिन लेकिन जहां दो वेरिएबल आ जाते थे हम लोग वहां पे काम नहीं करते थे, वो आउट ऑफ सिलेबस होता था, लेकिन अब वो सिलेबस में आ गया है। सिलेबस में आ गया मतलब कुछ तो अलग बात होगी ना जो पिछले साल सीखा था। अलग बात यह है कि जब तक दो इक्वेशन नहीं हो, जैसे मान लो एक इस इक्वेशन को भी ले लिया जाए x - 2y = 3, अब ले लिया तो दो इक्वेशन हो गए है ना। जब इस तरह के कोई दो इक्वेशन होंगे, इस तरह के जब दो इक्वेशन होंगे तब इसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, दो इक्वेशन हो गए मतलब वेरिएबल भी दो है, इक्वेशन भी दो है, वेरिएबल भी दो है, इक्वेशन भी दो है, तब ये होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब इस जो स्टेटमेंट है इसका सिर्फ मतलब जान रहे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब दो इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन तो चाहिए ही चाहिए तभी पेयर बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो पेयर क्यों चाहिए, पेयर की क्या जरूरत है, एक इक्वेशन देने से सॉल्व होगा, नहीं हो पाएगा। 2x + 3y = 5, इसमें x की वैल्यू 1 डालो, y की वैल्यू 1 डालो, देखो सॉल्व हो गया। 2 × 1 + 3 × 1 = 5, LHS = RHS हो गया, हो रहा है ना। एक इक्वेशन पे तो सॉल्व हो रहा है, दो इक्वेशन की क्या जरूरत है। x की वैल्यू भी हम लोग बोल सकते हैं 1 रखें और y की वैल्यू भी 1 रखें तो हमारा काम हो गया ना, काम हो गया, काम कोई दिक्कत नहीं हुई। तब पेयर की क्या जरूरत आ गई, पेयर ऑफ का क्या मतलब है, फिर पेयर ऑफ का मतलब यह है कि x = 1 y = 1, तो एक आंसर आया ही हमारा, एक दूसरा आंसर देखो x की वैल्यू रखो 2.5 और y की वैल्यू रखो 0, देखो क्या होता है, तब 2 × 2.5 + 3 × 0 = क्या हुआ, 5 = RHS हो गया। तो हमें एक और वैल्यू मिल गया, x की वैल्यू 2.5 होगी और y की वैल्यू 0 होगी, तब भी काम हो जाएगा, हो रहा है। एक और एग्जांपल देखो, x की वैल्यू क्या रख दें, x की वैल्यू 4 रख दो, 2 × 4 + 3 × -1 रख दो, y की वैल्यू -1 भी हो सकती है ना, y की वैल्यू 8 - 3 = 5 = RHS आ गया। तो एक और वैल्यू मिल गई हमें x की, क्या मिली वो, x की वैल्यू मिली 4, x = 4 y = -1, क्या हो रहा है ये, हमें एक आंसर चाहिए था तो अनेकों आंसर मिल रहे हैं, कितने सारे आंसर्स मिलते जा रहे हैं। यहीं पे हमें पेयर की जरूरत पड़ती है, यदि सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन होगा तो उसके कितने सारे आंसर्स आ सकते हैं, उसको सॉल्व करके कितने अलग अलग आंसर आ सकते हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं है, कितने भी आंसर आ सकते हैं, कैसे आ रहे अलग अलग आंसर, समझ में आ रहा है। अब एग्जाम में अगर मान लो यही क्वेश्चन आया रहता 2x
प्लस 3y इज इक्वल टू 5। अब पहले स्टूडेंट का आंसर कुछ आया, दूसरे का कुछ आया, तीसरे का कुछ आया, चौथे का कुछ आया, सबका अलग अलग आंसर आया। इसमें सही आंसर कौन सा होगा? सारे आंसर तो सही है ना, लेकिन इससे हमारा काम भी नहीं बनेगा। अगर अखिला की ही बात करें तो उसको 10 सारे 10 ऑप्शंस दे देंगे, 10 ऑप्शन तो नहीं हो सकते ना उसके पास, तो कोई एक ही ऑप्शन होगा। इसलिए दो इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। जब दो इक्वेशन हो जाते हैं दोनों मिलकर के, फिर सॉल्व हो जाते हैं, एक सटीक आंसर आ जाता है उसका। ठीक है, सिंपल एक आंसर लाने के लिए हमें दो इक्वेशन चाहिए ही चाहिए। जैसे अब दूसरा इक्वेशन को अगर देखा जाए, दूसरा इक्वेशन जो है एक्स माइनस टू वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। यहां पे x की वैल्यू रखो 10, सॉरी x की वैल्यू रखो 5, y की वैल्यू 1 रखो। क्या होता है? 5 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3, क्या होगा? 5 माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू आर एच एस हो रहा है। मतलब दूसरे इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है हमारे पास एक्स इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू 1, है ना। और ये सॉल्यूशन देखो पहले में रखो, पहला इक्वेशन जो था हमारा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, क्या होगा? 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू आर एच एस हो जाएगा, है ना। देख लो अब ये सॉल्यूशन इसका जो है वो पहले इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, दूसरे इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो पहले इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। कहीं पे एक जगह ऐसा आएगा जब दोनों इक्वेशन दोनों क्वेश्चंस का दोनों इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब यही है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने का मतलब यह है कि हम लोग दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और दो इक्वेशन को सॉल्व करके एक आंसर कोई आता है। ये बहुत सारे आंसर नहीं आएंगे इस तरीके से, ऐसे बहुत सारे आंसर लाने से कोई फायदा नहीं है हमें, हमें सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन चाहिए। और एक सॉल्यूशन के लिए हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की जरूरत है, एक इक्वेशन से काम नहीं चलेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। चलो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो हो गया। अब यहां पे देखो तीसरा इक्वेशन जो है, तीसरा इक्वेशन, ये कोई इक्वेशन है क्या? तीसरा इक्वेशन जो है ये कोई इक्वेशन है, एक्स माइनस जीरो वाई इज इक्वल टू 2, या लिखो एक्स इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन है क्या? x इज इक्वल टू 2 लिखोगे तो इक्वेशन नहीं है, लेकिन इस फॉर्म में लिख देंगे तब तो लीनियर इक्वेशन है ना। इसमें दो वेरिएबल आ गए, x भी आ गया, y भी आ गया, और राइट हैंड साइड में भी कुछ आ गया, तो ये भी एक इक्वेशन है। ठीक है, अगर इस तरह से भी दिया है x इज इक्वल टू 2, या दिया है y इज इक्वल टू माइनस 5, इस तरह से भी कुछ अगर दिया है तो ये भी एक इक्वेशन ही होगा इस चैप्टर में। जो हम लोग चैप्टर की बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसमें इन सबको भी इक्वेशन ही माना जा रहा है। क्यों माना जा रहा है? यहाँ पे देखो लिखा एक्स भी है, वाई भी है, इक्वेशन भी है ना। तो ये भी अपने आप में एक इक्वेशन है, वाई इज इक्वल टू माइनस 5, यह भी अपने आप में एक इक्वेशन है। ठीक है, इस तरह से हमें अगर दो इक्वेशन दिए गए हों उसको हम लोग सॉल्व करके कोई एक आंसर ला सकते हैं। एक्स की एक वैल्यू, वाई की भी एक वैल्यू, दोनों की एक एक वैल्यू चाहिए, दो वैल्यूज नहीं लानी है। आगे चलते हैं। तो ऐसा कोई भी इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, ए एंड बी आर नॉट बोथ जीरो, इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। जैसा कि हमने अभी देखा इस पेज में, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, है ना। तो 5 को लेफ्ट साइड में ले आओ, 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ए बी सी की वैल्यूज निकल जाएंगी। अब ए हमारा 2 है,
बी हमारा 3 है, सी हमारा -5 है ना। दूसरा इक्वेशन देखो, 2x - 2y - 3, x - 2y - 3 इज इक्वल टू 0। ये तो सही फॉर्म में है, राइट साइड में 0 आ रहा है। यहाँ पे a की वैल्यू देखो क्या है, 1, b की वैल्यू क्या है, -2, c की वैल्यू क्या है, -3। ए बी सी तीनों रियल नंबर है ना, ए बी और सी तीनों रियल नंबर है, तो हमारा ये भी लीनियर इक्वेशन है। तीसरा इक्वेशन देखो, x - 0y = 2, x - 0y = 2 है ना। 2 को लेफ्ट में लाएंगे तो क्या होगा, x - 0y - 2 = 0। देखो यहां से सारा ए बी सी निकल सकता है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू क्या है, 0, और सी की वैल्यू क्या है, -2। तीनों वैल्यूज आ रही है ना, ए बी और सी, ए बी सी तीनों रियल नंबर्स हैं, जैसा कि दिया है क्वेश्चन में, ए बी सी आर रियल नंबर्स, दिख रहा है, ये यहाँ पे दिया है, ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, तीनों रियल नंबर हैं, ए बी और सी तीनों के तीनों रियल नंबर हैं, तो ये है लीनियर इक्वेशन। कंडीशन एक ही है, ए एंड बी आर नॉट बोथ 0, दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 0, ये नहीं हो सकता है, ऐसा होगा तो लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो लीनियर इक्वेशन बन गया, ए 0 हो सकता है, बी भी 0 हो सकता है, ए रेड से लिखता होगा, ए इज इक्वल टू 0 हो तो चलेगा, बी इज इक्वल टू 0 हो तो भी चलेगा, ए इज इक्वल टू बी हो तो भी चलेगा, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 0 ऐसा हो तो नहीं चलेगा, ठीक है। किस हालत में दिक्कत होगी, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 0 अगर हो जाए तो यह नहीं चलेगा। इसी को अगर दूसरे फॉर्मेट में लिखना है ये जो कंडीशन है, तो इसको लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर करेंगे तो 0 से बड़ा ही आएगा हमेशा, 0 कब होगा, अगर दोनों के दोनों 0 हो जाए तो। तो बुक में कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा रहता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इनफैक्ट ये कॉम्प्लेक्स तरीके से जानने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग आसानी से समझ लेते हैं, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 0 ऐसा नहीं होना चाहिए, ज्यादा मुश्किल में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है अभी। तो इस तरह का कोई भी एग्जाम्पल को लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स तुम बताओगे, कोई एग्जाम्पल दो लीनियर इक्वेशन कैसा हो सकता है। स्क्वायर रूट 5x - √3 y = √11, क्या ये लीनियर इक्वेशन है। a की वैल्यू क्या है, √5, b की वैल्यू क्या है, -√3, c की वैल्यू क्या है, -√11। c में माइनस क्यों आया है, समझ में आ रहा है ना, c में मैंने माइनस क्यों लगाया है यहाँ पे, क्योंकि इसको लेफ्ट साइड में लाना है तब ना a b और c निकलेगा, इस इक्वेशन के फॉर्म में आएगा, सी को लेफ्ट साइड में लाना है तो नेगेटिव हो जाएगा, सी -√11। तो ये लीनियर इक्वेशन है, बिल्कुल है, ए भी रियल नंबर है, बी भी रियल नंबर है, सी भी रियल नंबर है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 5 + 3 = 8 = 0 नहीं है, ग्रेटर देन 0 है ना। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, हम देख ही चुके हैं, x = -9 अगर लिख रहे तो ये भी लीनियर इक्वेशन है, हमारे इस कंडीशन पे सेटिस्फाई हो जा रहा है, यह भी लीनियर इक्वेशन है ना। तो ये होते हैं लीनियर इक्वेशन, पहले तो पहचान लेना है कौन सा लीनियर इक्वेशन है, पहचान जब ये तब फिर उसको सॉल्व करने की बात करेंगे, वो बात हम लोग अगले वीडियो में करते हैं, ठीक है। जो अखिला का क्वेश्चन हमने देखा था उसको भी सॉल्व करेंगे, वो भी सॉल्व करके सीखेंगे कैसे सॉल्व होता है, सारी चीजें अब हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। बाय बाय।